आज मैं आपको बताऊंगी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग और कटिंग। बहुत इजी मेथड है। मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इसको मैंने चार तह में फोल्ड कर लिया है। इसको डबल फोल्ड किया है और उसके बाद इसको और फोल्ड करके चार तह में कर ली है। और जिसका ओपन साइड है वो मैंने अपनी तरफ कर लिया है, फोल्ड साइड दूसरी तरफ है। अब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने स्लीव्स की लेंथ ली है 20 इंचेस और विड्थ मैंने इसकी ली है 9 इंचेस। मुझे विड्थ चाहिए, ये 10 इंचेस पर है लेकिन मैं 9 इंचेस पर कटिंग करूँगी अपनी स्लीव्स की। 9 इंच में मैं लेंथ का निशान लगा लूँगी। और इसके बाद 3 इंचेस की मैं चौड़ाई पे निशान लगाऊंगी और उसे ऊपर वाले फोल्ड वाले साइड से जो मैंने 3 इंच का निशान लगाया है इसको मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी तिरछी। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका जो लाइन का मेजरमेंट 9 इंचेस आ रहा है उसका सेंटर लूँगी 4.5। उसमें एक लाइन उस पर मैं एक हाफ इंचेस का निशान लगाऊँगी। अब मैं ऊपर जो फोल्ड वाला साइड है वहाँ से निशान को मिलाते हुए नीचे की साइड पर आऊँगी। इस तरह से राउंड शेप, हल्का सा राउंड शेप बन जाएगा। ये जो ड्राफ्टिंग है ये नॉर्मल स्लीव्स की है। आप यानी इस तरह से ड्राफ्टिंग करने के बाद भी आप इसे कट कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं इसमें आपको फ्रंट की ड्राफ्टिंग भी बताऊँगी। फ्रंट की ड्राफ्टिंग से हमारी स्लीव की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब जो मैंने सेंटर पे निशान लिया था 4.5 से और उसको लास्ट में जो है उसका सेंटर का निशान लूँगी 0.5 इंच से, नहीं समथिंग 2 इंच का आएगा। अब मैं इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला लूँगी और ये इस तरह से मेरा फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो गई। इस तरह से मैं एस शेप में इसको ड्रॉ करूँगी। ये मेरा बैक का हो गया निशान और ये मेरा फ्रंट का हो गया। अगर आप चाहें तो सिर्फ बैक की ही कटिंग करके भी आप स्लीव्स रेडी कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट की कटिंग से ये होगा कि आपकी स्लीव्स की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। आप फ्रंट का निशान लगा लूँगी 5 इंचेस। मैंने फ्रंट का स्टिचिंग का निशान लगा लिया, 6 इंचेस जो है मैंने कटिंग का निशान लगाया। अब मैं ये जो निशान है इनको आपस में ला लूँगी। बहुत ईजी मेथड है, आप इसे फॉलो करें और आप भी ईजीली जो है स्लीव कट कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये स्लीव जो मैं कट करना बता रही हूँ 20 से 25 साल की गर्ल्स का है, लेडीज़ का है। बच्चों के लिए आपको ड्राफ्टिंग आप इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में फ्रंट की ड्राफ्टिंग जो है ज़रूरी नहीं है। इस तरह से मैंने निशान को आपस में मिला लिया है। अब मैं इन्हें कट कर लूँगी। पहले सबसे पहले बैक पर कट करूँगी, जो बैक का मैंने निशान लगाया है उस पर कटिंग करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल फैशनेबल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और इन पर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि आप मुझे बता सकें कि मेरी वीडियोज़ में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब इसकी मैंने कटिंग कर ली है, साइड की भी कट कर लिया है। फ्रंट की कटिंग मैं बाद में करूँगी। इस तरह से बैक की सिर्फ कटिंग और साइड ही कट हो गई। अब मैं 2 जो पीस है फ्रंट के उन्हें मैं अलग कर लूँगी। अलग करने से मतलब है कि मैं इसे खोल लूँगी, फोल्ड जो किया हुआ है, और सिर्फ फ्रंट का जो मैंने निशान लगाया है उस पर कट करूँगी। इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। जो मैंने फ्रंट का निशान लगाया था उसको मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से मेरी स्लीव्स कट हो चुकी हैं। ये मेरा फ्रंट का साइड है और ये बैक का साइड है।